न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर, तैरना नहीं आता था फिर तालाब में कूदा, डूबने से युवक की मौत। तैरते समय पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम रोशन धनराज आतराम 26 वर्ष नागझरी हिंगना निवासी है। घटना बुधवार की दोपहर में हुई। सूचना मिलने पर हिंगना पुलिस ने 2 घंटे के अंदर गाँव वालों की मदद से रोशन का शव तालाब से बाहर निकाला। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार को सुबह रोशन धनराज आतराम अपने कुछ दोस्तों के साथ गाँव के पास घाटोले नामक किसान के खेत में बने खेत तालाब में तैरने गया था। तालाब में तैरने के लिए छलांग लगाने के बाद वह बाकी दोस्तों से दूर गहरे पानी की ओर चला गया। काफी देर होने के बाद जब वह पानी से बाहर नहीं आया तब हिंगना पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही समय में थानेदार विशाल काले सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। गांव के कुछ तैराकों की मदद से दोपहर करीब 2 बजे रोशन का शव तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया। हिंगना पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। तैरना नहीं आता था, सूत्रों से पता चला कि रोशन को तैरना नहीं आता था। इसके बाद युवक खेत तालाब में तैरने के लिए कूद पड़ा। गहरे पानी में चले जाने पर तैरना नहीं आने से उसकी डूबकर मौत हो गई। रोशन परिवार का इकलौता बेटा था, उसको 3 बहनें। गांव के नागरिक केशव राव राउत श्यामराव शेंद्रे ने जिला परिषद महिला व बाल कल्याण सभापति उज्ज्वला भोंडारी की मदद से हिंगना के थानेदार विशाल काले को सूचित किया गया। बेटे का शव तालाब से बाहर आने के बाद रोशन की मां और पिता को उज्ज्वला भोंडारी ने सांत्वना दी। रोशन परिवार का इकलौता सहारा भी था, उसकी मौत से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। गाँव के नागरिकों ने पीड़ित परिवार को प्रशासनिक मदद दिए जाने की मांग भी की है। तैरना नहीं आता था फिर तालाब में कूदा, डूबने से युवक की मौत। तैरते समय पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक का नाम रोशन धनराज आतराम, उम्र 26 वर्ष, नागझरी हिंगना निवासी है। घटना बुधवार की दोपहर में हुई है। सूचना मिलने पर हिंगना पुलिस ने 2 घंटे के अंदर गांव वालों की मदद से रोशन का शव तालाब से बाहर निकाला। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार को सुबह रोशन धनराज आतराम अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के पास घाटोले नामक किसान के खेत में बने खेत तालाब में तैरने गया था। तालाब में तैरने के लिए छलांग लगाने के बाद वह बाकी दोस्तों से दूर गहरे पानी की ओर चला गया। काफी देर हो जाने के बाद जब वह पानी से बाहर नहीं आया तब हिंगना पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही समय में थानेदार विशाल काले सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। गांव के कुछ तैराकों की मदद से दोपहर करीब 2 बजे रोशन का शव तालाब से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेज दिया है। हिंगना पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। तैरना नहीं आता था, सूत्रों से पता चला है कि रोशन को तैरना नहीं आता था। इसके बाद भी वह खेत तालाब में तैरने के लिए कूद पड़ा। गहरे पानी में चले जाने पर तैरना नहीं आने से उसकी डूबकर मौत हो गई। रोशन परिवार का इकलौता बेटा था, उसकी 3 बहनें हैं। गांव के नागरिक केशव राव राउत श्यामराव शेंद्रे के जिला परिषद महिला व बाल कल्याण सभापति उज्ज्वला बोढ़ारे की मदद से हिंगना के थानेदार विशाल काले को सूचित किया गया। बेटे का शव तालाब से बाहर आने के बाद रोशन की मां और पिता को उज्ज्वला बोढ़ारे ने सांत्वना दी। रोशन परिवार का इकलौता सहारा भी था, उसकी मौत से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। गाँव के नागरिकों ने पीड़ित परिवार को प्रशासनिक मदद दिलाए जाने की मांग की है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।